Hey guys, what's up? Welcome to my channel, The Praneet Show. Hope you guys are doing absolutely great in this situation. आज का वीडियो है थोड़ा सा अलग, आपको हेल्प करेगा समझने के लिए मेरे कुछ पॉइंट से, जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ. उसके पहले मुझे कहना है गाइज कि एवरी वन इज सेइंग कि वी आर जस्ट टायर्ड विद द सिचुएशन, बोर हो गए हैं. वापस 15 दिन का लॉकडाउन लग चुका है. मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ पे मैंने वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए. वो अपना पैशन हो, अबिलिटी हो, अपनी स्किल सेट हो. मुझे लगा कि ये तीनों चीज़ों पे मैं बोलूँ तो जो मेरे थॉट है, मेरी जो सोच है, आई थिंक आई शुड शेयर विथ यू. क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा जो आपको मोटिवेट करेगा जो अभी की सिचुएशन में. इसके पहले मैं आपको एक सद्गुरु जी का बहुत अच्छा कोट है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना गाइस. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दिस वीडियो. मैसेज फ्रॉम सद्गुरु. आई डू नॉट कंसीडर दिस एज लॉकडाउन, हैविंग टू स्टे एट होम विथ होम वी लव. आइसोलेशन इज व्हाट द सीरियसली इल आर एक्सपीरियंसिंग इन हॉस्पिटल. स्टॉप सेइंग दैट यू आर बोर्ड, अपसेट दैट यू कान लीव द हाउस while everyone in the hospital wants to go home. So thank God if you have to stay at home, because despite everything, with money or without money, with a job or without job, you are in the best place you could be, at home, surrounded by who loves you. Perhaps it is the time to transform your house into a wonderful place to stay. Anyway, look with different eyes at the situation you are experiencing. Make your house a party. Listen to music, dance. Make your house a temple. Pray, meditate, ask, thank, praise. Make your home a school. Read, write, draw, paint, study, learn. Make your house a restaurant. Cook, eat, create new recipe. Anyway, make your house, your family, a place of love. Make the best possible use of this once in a lifetime opportunity. बहुत सहजता से, बहुत अच्छे से उन्होंने एक बात कही, आप लोग ये सिचुएशन को कैसे एंजॉय भी कर सकते हो. यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हैंड. इफ यू वर्क ऑन योर पैशन, इफ यू वर्क ऑन योर स्किल सेट, कुछ भी लर्निंग करो जो आपको पसंद है, इफ यू वर्क ऑन दैट, ट्रस्ट मी गाइज, आप जो सोच रहे हो उससे कहीं गुना ज्यादा आगे जा सकते हो. सोचने वाला और करने वाला चाहिए. जो मैंने आपको बात कही, बहुत लोग बोर हो रहे हैं. बोर होने जैसी बात ही नहीं है. यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन योर लाइफ. हर टाइम को, हर सिचुएशन को कभी कभी निगेटिव वे से न लेते हुए पॉजिटिव वे से लो, तो आई एम श्योर लाइफ बहुत अच्छे से हो सकती है. वही चीज़ सद्गुरु ने कहा कि आप कोई रेस्टोरेंट अपने घर पे बनाओ, अच्छे से फूड बनाओ, अच्छे से यू नो डिशेज करो. आपके घर को कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट कर सके वो आप देखो. बच्चों के साथ डांस करो. ये घर नहीं, ये आपका सब कुछ है जो आप कर सकते हो. जब इन्होंने 15 दिन का लॉकडाउन बोला, आपने क्या सोचा? घर पे रहना पड़ेगा, सब कुछ है. बिजनेस वालों ने सोचा होगा, जॉब वालों के लिए तो ठीक है, बट स्टिल जॉब वालों के लिए भी इट्स इरिटेटिंग घर पे ही रहो. आपने ये सोचा है कभी कि मैं ये 15 दिन में क्या क्या करूँगा? कभी आपने आपके पैशन, एबिलिटीज के बारे में लिखा कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स? सोचा कि मैं कुछ रिटर्न में दूँ इस दुनिया को, कुछ अपनी स्किल सेट अच्छी करके मैं आई शुड शेयर विद समवन. जब स्कूल डेज रहते तब आप बिजी रहते हो, कॉलेज डेज में बिजी रहते हो, वर्क करते समय वर्क करना है उसमें बिजी हो, उसके बाद फैमिली हुई, फैमिली में है तो फैमिली को टाइम देना भी जरूरी है. आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? खुद के लिए थोड़ा भी टाइम निकाल रहे हो? आज नहीं गाइज, आने वाले कुछ सालों बाद आपको यही चीजें हेल्प करेगी टू इम्प्रूव योर सेल्फ. हमेशा एक चीज आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं मैं जॉब से थक गया हूँ, अभी मुझे बिजनेस करना है. कोई बोलता है कि यार मुझे, मैं जॉब कर रहा हूँ बट मुझे वो नहीं, वो लेवल का जॉब करना है, आई वॉन्ट टू डू दैट जॉब. बट उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ स्किल सेट तो अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी. स्किल सेट, वो एबिलिटीज इम्प्रूव करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम. हमेशा अपन बोलते कि यार अब यार वैकेशन चाहिए, टाइम चाहिए कि मैं खुद पे काम कर सकूँ, चीज़ें कर सकूँ, तो ये टाइम है ना,
ये टाइम को आप यूटिलाइज करो, ये टाइम को आप खुद की इंप्रूवमेंट पे डालो। मुझे ये बिजनेस करना है तो मैं इस चीज के लिए क्या करूं, कैन यू हेल्प मी फॉर दिस, मुझे ये जॉब में वो लेवल पे जाना है जो मैं अभी आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सैटिस्फाइड जो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे वो लेवल का जॉब करना है, वो लेवल की स्किल सेट इंप्रूव करनी है, कैन यू हेल्प मी फॉर दिस। कभी आपने सोचा कि आई थिंक आई शुड आस्क माई फ्रेंड? कहीं कहीं आपको सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम। यू कांट से कि वी आर जस्ट बोर एंड वी आर टायर्ड टू सिट एट होम, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मुझे मेरी स्किल सेट, मुझे मेरा पैशन, मुझे मेरी एबिलिटीज पता है, बट मैं भी कहीं कहीं वर्क नहीं कर रहा था, बट आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। मैंने कुछ, मुझे कुछ टाइम हो चुका है जो अभी मैं समझ गया हूँ, और समझने के बाद आई एम वर्किंग ऑन दैट कि आई वॉन्ट टू डू दिस। तो विथ माई वर्क आई एम इम्प्रूविंग माई लैंग्वेज, माई स्किल सेट, माई स्पीकिंग स्टाइल, मैं खुद को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दैट। कुछ कंटेंट लिखना है, राइटिंग करना है, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाना है, वीलॉग करना है, फिटनेस रिलेटेड करना है, वॉट एवर इज, आई एम एक्चुअली बिजी 24/7, टाइम का ज़्यादा पता नहीं चलता, एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी बिकॉज आई एम डूइंग वॉट आई लाइक। जो मैं कर रहा हूँ मुझे खुशी दे रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, सो वॉट इज रॉन्ग इन दैट? अंडरस्टैंड अबाउट योर पैशन, एबिलिटीज एंड योर स्किल सेट। काम करना है इसीलिए काम मत करो, कभी अपने दिल की भी सुनो और उस पर काम करके देखो। ट्रस्ट मी गाइज, यू विल बी वेरी हैप्पी। बोलते ना, अपने को जो खुशी होता है वो करता है ना आदमी, तो बहुत आगे बढ़ता है। एंड दिस इज द टाइम, आने वाले कुछ साल में सब कुछ डिजिटल होने वाला है। स्टाइल ऑफ वर्क, द वे पीपल आर वर्किंग नाउ एंड आफ्टर 5 years, टोटली डिफरेंट। तो उसके लिए यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आपको वो लेवल पे पहुंचना है, बिल्ड करना है, तो आपको आज से चालू करना पड़ेगा, और आज से मतलब ये टाइम जो यूटिलाइज कर सकते हो। गाइस एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत टाइम से गिटार सीखना चाहता है बट सीखना नहीं हो रहा था उसका। वो फ्रीलांसिंग बिजनेस करता है एंड जॉब भी करता है। लास्ट लॉकडाउन के टाइम से उसको जैसे जैसे टाइम मिला अभी वाला लॉकडाउन में, वापस ही स्टार्टेड। मुझे उसका परसों फोन आया, ही सेड कि आई एम रियली हैप्पी, जो ये टाइम मिल रहा है मैं एवरी डे 1 or 2 hours आई एम गिविंग फॉर माई लर्निंग। आज इतना अच्छा गिटार बजा रहा है वो, आई सॉ हिम, बहुत अच्छे सॉन्ग्स पे बजा रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट है विद इन 1 year में। सेम चीज़ कोई बिजनेस वाला है, जॉब वाला है, बिजनेस वालों की बात करूँ, जो बिजनेस मॉड्यूल है अभी के सिचुएशन में और आने वाले कुछ टाइम में सब कुछ चेंज होने वाला है। आप जो पहले का कोई भी बिजनेस पैटर्न चला रहे हो और उसमें आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो यू शुड चेंज। कैसे चेंज करना है, क्या करना है, न्यू थेरीज, न्यू कंसेप्ट जो आपको हेल्प करेगा। हमेशा बोलता हूँ वी ऑल आर यूनिक, हम सब में इतनी एबिलिटीज है, कैपेसिटी है, सब में सब कुछ रहता है, बट उसको अपन ऊपर नहीं लाते हैं, ना लाना पसंद करते हैं। एक बार आपको समझ जाना, आप बहुत बड़ा करोगे, बट आपको समझने की जरूरी है। फॉर वंस गाइज, यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योरसेल्फ, इतना ही कहूंगा। कैमरा बंद होने के कारण ये लास्ट पार्ट है, मैं मोबाइल थ्रू शूट कर रहा हूँ। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर यू गाइज। मुझे लगता है कि मेरे पास जो कुछ नॉलेज है मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ, तो आई एम हेल्पिंग यू गाइज। आई एम नॉट अ बिग अचीवर, मुझे तो बहुत सारी और जिंदगी में चीजें करनी और मैं करूंगा, बट मुझे लगता है कि आई थिंक मैं कुछ शेयर करूँ तो आपको वो हेल्प हो, तो मेरे लिए बहुत खुशी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए। तो प्रणीत शो, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज।